अमृतसरी पुदीने वाले छोले और पनीर कुलचे। तैयारी और बनाने का समय 50 से 60 मिनट। बात जब स्वादिष्ट खाने की हो तो ऐसे बहुत कम पकवान हैं जो अमृतसरी छोले की जगह ले सकते हैं, और अगर पनीर कुलचे का साथ हो तो मुंह में पानी भर आता है। अब आप घर बैठे वी कुक वेज की ओर से असली और स्वादिष्ट अमृतसरी खाने का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं जरूरी सामग्री। छोले के लिए हमें चाहिए 3 प्याला काबुली चना छोले, 3 बड़े प्याज पीसे हुए, 4 टमाटर, 1 इंच दालचीनी, 2 तेज पत्ते, 3 बड़े चम्मच चना मसाला, 7 से 8 लौंग, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 2 इंच अदरक के लंबे टुकड़े, 1 टी बैग चाय पत्ती, 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, 9 से 10 पुदीने के पत्ते, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 10 से 12 हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, तेल जरूरत अनुसार, नमक स्वाद अनुसार। कुलचे के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 300 ml पीने का सोडा, आधा प्याला दही, आधा बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच खाने का सोडा, 1 बड़ा चम्मच घी। पनीर भरण के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम पनीर, 2 उबले हुए आलू, 10 से 12 हरा धनिया कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 बड़ा प्याज कटा और हल्का भुना हुआ, सूखा अनारदाना पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, तेल जरूरत अनुसार। सवारने के लिए हमें चाहिए नींबू के किल और प्याज के छल्ले। रसोई के बर्तनों में से हमें चाहिए प्रेशर कुकर, कढ़ाई, 2 मध्यम आकार के प्याले, चकला बेलन, न चिपकने वाला तवा, परोसने के लिए बर्तन। बनाने से पहले देखते हैं हमें किन किन चीजों को तैयार करने की जरूरत है जिससे हमें पकाने में आसानी हो। तैयारी के लिए चने को रात भर या कम से कम 5 से 6 घंटे तक भिगो कर रखें, जिससे छोले पकाने में आसानी हो। शुरू करने से पहले चने उबालने के लिए भिगोए हुए चने को पानी के समेत प्रेशर कुकर में डाल दें और उसमें मिलाएं 1 तेज पत्ता, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, अजवाइन, नमक, 5 से 6 अदरक के टुकड़े और 1 टी बैग डालें। अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो एक मलमल के कपड़े में चाय का पाउडर कस के बांध कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटियां बजने तक पकाएं। टमाटर के सालन के लिए 3 से 4 टमाटर को पुदीने के पत्ते, साबुत धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, नमक के साथ पीस कर गाढ़ा पेस्ट बना लें। कुलचे का आटा बनाने के लिए मैदा लें, उसमें डालें दही, खाने का सोडा और थोड़ा घी। अब इसमें डालें नमक स्वाद अनुसार और अजवाइन। अब इसको पीने के सोडा से गूंद लें। इसमें पानी बिल्कुल ना मिलाएं। अब इस गूंदे हुए आटे को 2 घंटे फूलने के लिए रख दें। पनीर भरण के लिए पनीर और उबले हुए आलू को हाथ से मसल दें। अब इसमें मिलाएं हरा धनिया, हरी मिर्च, हल्का भुना हुआ प्याज, सूखा अनारदाना, चाट मसाला और नमक। अब देखते हैं बनाने की विधि। वो कहते हैं ना, जब तैयारी सही हो तो सफलता दूर नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब बनाते हैं स्वादिष्ट अमृतसरी छोले। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें और उसे मध्यम आंच पर गरम करें। अब इसमें डालें तेज पत्ता, शाही जीरा और बचे हुए 3-4 अदरक, नमक और प्याज का गाढ़ा पेस्ट। अब प्याज को पकने दें।
अब इसमें डालें ताजा बनाया गया टमाटर का सालन। इसमें डालें एक बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, सूखा अनारदाना पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चना मसाला और इसे अच्छी तरह से मिला दें। अब इस मिश्रण को उबले हुए चने के साथ प्रेशर कुकर में 6 से 7 मिनट तक पकाएं। जैसे ही वह अमृतसर वाली बेहतरीन सुगंध आने लगे, समझिए हमारे छोले तैयार हैं। अब कुलचा बनाने के लिए गूंदे हुए आटे की लोइयां बना लें और आटे की एक लोई उठाकर सूखा मैदा लगाकर हाथ से फैलाएं। और इसमें पनीर का मिश्रण डालकर गोला बना लें। सारे गोले इसी तरह बना लें। अब लोई को सूखे मैदे में मिलाकर हल्के हाथ से तकरीबन 3 इंच तक फैलाएं। अब बेलन से 6 से 7 इंच तक बेल लें। तवे पर घी डालें और बेला हुआ कुलचा डाल दें। अब धीमी आंच पर हल्का सुनहरा रंग होने तक दोनों तरफ से सेकें। जब लगे कि कुलचा तैयार है, उसमें घी डालकर तल दें ताकि कुलचा कड़क हो जाए। यह स्वादिष्ट अमृतसरी पुदीने वाले छोले और कुलचे नींबू और कटे हुए प्याज के साथ खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको विधि पसंद आए तो इसे जरूर बनाएं और इसकी तस्वीर facebook.com/vcookveg पर अपलोड करें। आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें info@vcookveg.com पर भी जरूर लिखें।